आप सभी को हेलो नमस्ते राम राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम विद व्हाट एवर यू आर कंफर्टेबल आई मेधावी निगम वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल अचीवर सक्सेस मंत्र आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इन अवर लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेटवर्क नेटवर्किंग इंटरनेट www web servers, web clients, website, web pages, and web browsers. I hope you were able to understand the concepts properly. So, continuing with our unit 1, today we will discuss about blogs, news groups, HTML, web addresses, that is also known as URL, email address, downloading and uploading files from remote site. So let's move to our first topic, that is blogs. So let's discuss what actually blogs are. Ki blogs jo hote hain, wo kya hote hain? You can say an informational website that contains discrete entries. एक ऐसी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट वो वेबसाइट जो आपको इंफॉर्मेशन देती है किसी भी चीज़ के बारे में और अपने अंदर एंट्रीज रखती है ऐसी एंट्रीज जो किसी इंडिविजुअल किसी पर्सन ने डाली हो या किसी एक छोटे से ग्रुप ने डाली हो या फिर मल्टीपल पर्सन्स ने डाली हो तो ऐसी इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स को हम ब्लॉग्स कहते हैं दे आर यूज टू पोस्ट और शेयर व्यूज अब ब्लॉग्स हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं मेनली ब्लॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है जब हमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में चाहे वो पॉलिटिक्स हो स्पोर्ट्स हो सिनेमा हो या बहुत सी ऐसी नई फील्ड्स हैं या और भी कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं जब भी हमें उनके बारे में अपने व्यूज़ को शेयर करना होता है दूसरों के साथ तब हम ब्लॉग्स का इस्तेमाल करते हैं इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ वर्ड वेब ब्लॉग ये वेबलॉग वर्ड से बनाया गया है ऑफ टर्म्स जो कि ब्लॉग से रिलेटेड हैं देयर आर टू टर्म्स दैट इज ब्लॉगर एंड ब्लॉगिंग सो ब्लॉगर इज मेनली अ पर्सन हु राइट्स द ब्लॉग ब्लॉगर क्या होता है एक ऐसा पर्सन जो कि ब्लॉग लिखता है और यू कैन से ऑथर ऑफ द ब्लॉग ऑब्वियसली कोई अगर पर्सन बुक लिखता है तो उसे हम ऑथर ऑफ द बुक कहते हैं तो इसी तरीके से अगर कोई ब्लॉग लिखता है तो हम उसे ब्लॉगर कहते हैं और ऑथर ऑफ द ब्लॉग कहते हैं ब्लॉगिंग प्रोसेस ऑफ राइटिंग अपडेटिंग पोस्टिंग शेयरिंग ब्लॉगिंग एक तरह का प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं अपने ब्लॉग को लिखते हैं अपडेट करते हैं अपने व्यूज को पोस्ट करते हैं या अपने व्यूज को दूसरों के साथ बांटते हैं नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स मेनली वी हैव 9 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स हमारे पास कितने ब्लॉग्स हैं 9 टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स हैं जिसमें से कि हमारा पहला ब्लॉग है पर्सनल ब्लॉग पर्सनल ब्लॉग क्या होता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग है और इसमें क्या होता है जो ब्लॉगर्स होते हैं दे राइट अबाउट व्हाट इंटरेस्ट देम ये उस चीज़ के बारे में लिखते हैं जिसमें उनका अपना खुद का इंटरेस्ट होता है जैसे कि उनकी हॉबीज हो गई उनके बिलीव्स हो गए उनकी डेली लाइफ हो गई All that. They attract the types of people that share the same interest. और इस ब्लॉग पे वही लोग अट्रैक्ट होते हैं जिनका सेम वही इंटरेस्ट होता है Second is personal brand blog. This blog focuses on the blogger as the brand. ये ब्लॉग क्या करता है एक ब्रांड की तरह ब्लॉगर पर फोकस करता है It's often used फॉर कोचिंग कंसल्टिंग गाइडेंस पर्सनल डिवेलपमेंट एट्सेट्रा इस तरह के ब्लॉग का मेनली इस्तेमाल हम लोग कोचिंग के उससे या किसी को कंसल्ट करने के उससे किसी को गाइड करने के लिए अपने को डिवेलप करने के लिए दूसरे का पर डिवेलपमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं थर्ड वन इज कंपनी ब्लॉग मैनी कंपनीज रन ब्लॉग्स टू लेट देयर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स नो What is going on in the company? बहुत सी कंपनीज ब्लॉग इसलिए चलाती हैं जिससे कि उनके कस्टमर्स को या उनके क्लाइंट्स को ये पता लगे कि एक्चुअली उनकी कंपनी में क्या हो रहा है
सच एज न्यू प्रोडक्ट्स कमिंग अप, जो नए नए प्रोडक्ट्स उनकी कंपनी बना रही है, और प्रोग्रेस बीइंग मेड इन द प्रोजेक्ट, या अगर उन्होंने किसी क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रखा है तो उनके प्रोजेक्ट में वो कितना काम कर चुके हैं, कितना प्रोग्रेस उनका हो रहा है, दैट ऑल दे शो इन देयर ब्लॉग्स। फोर्थ वन इज आर्टिस्ट ब्लॉग। इट फोकसेस ऑन एनी टाइप ऑफ आर्ट दैट द आर्टिस्ट क्रिएट्स। एक क्या करते हैं, जो भी आर्टिस्ट क्या बनाता है, आर्ट बनाता है किसी भी तरह की हो, चाहे वो पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, फोटोग्राफी से रिलेटेड हो या क्राफ्ट से रिलेटेड हो, दिस ब्लॉग मेनली फोकसेस ऑन दैट थिंग। दे ऑफन इंक्लूड गैलरीज और शॉप्स वेयर यू कैन परचेज और कमीशन वर्क। ये ऐसे भी अपने पास गैलरीज और शॉप्स रखते हैं जहाँ पे कि आप अगर कोई पेंटिंग खरीदना चाहे तो आप खरीद सकते हैं, कुछ अपना कमीशन बांधना चाहे कि यानी कि आपको वो पेंटिंग खरीद के किसी और को आगे फॉरवर्ड करनी है, तो वो काम भी आप आर्टिस्ट ब्लॉग में कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस अवर फिफ्थ ब्लॉग, दैट इज पर्सनल सर्विसेज ब्लॉग। दिस ब्लॉग डिस्कसेस टॉपिक्स अराउंड द सर्विसेज दैट आर ऑफर्ड। ये ब्लॉग क्या करता है, उन टॉपिक्स के आसपास अपनी सर्विसेज ऑफर करता है जो कि उस समय डिस्कशन का मेन टॉपिक होते हैं, मुद्दा होते हैं। दीज आर ग्रेट फॉर लोकल सर्विसेज। ये बहुत ही बढ़िया ब्लॉग्स होते हैं लोकल सर्विसेज के लिए, जैसे कि बेबी सिटिंग, जंक रिमूवर, लॉन केयर। तो आप इन ब्लॉग से अपने ये पर्सनल सर्विसेज करवा सकते हैं। सिक्स्थ इज योर माइक्रो ब्लॉग। इन दिस ब्लॉग वन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर्स कैन फॉलो, सच एज ट्विटर। जो माइक्रो ब्लॉग्स होते हैं इसमें कोई भी पर्सन बहुत छोटे छोटे कमेंट्स डाल सकते हैं, जैसे कि आप ट्विटर यूज़ करते हैं अगर, तो ट्विटर में भी आप बहुत छोटे छोटे ब्लॉग्स डालते होंगे, बहुत छोटे छोटे कमेंट्स डालते होंगे, और उस पर हर कोई आपको फॉलो कर सकता है। द एंट्रीज बिकम अ रनिंग कमेंट्री अबाउट वंस लाइफ एंड इंटरेस्ट। और इसमें जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो क्या बन जाती है, एक कमेंट्रेटरी बन जाती है एक बंदे की लाइफ और उसके इंटरेस्ट के बारे में। सेवेंथ इज न्यूज ब्लॉग। दिस ब्लॉग कंटेन्स फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट न्यूज। ये जो ब्लॉग होता है ये क्या करता है, फैक्चुअल स्टोरीज कंटेन करता है किसके बारे में, न्यूज के बारे में, जो कि ज्यादातर एक जर्नलिस्ट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। विजिटर्स कैन ऐड देयर ओन ओपिनियंस एज वेल। और जो भी इस न्यूज ब्लॉग को रीड करते हैं, इस ब्लॉग को विजिट करते हैं, वो भी अपने खुद के कमेंट्स इसमें डाल सकते हैं। एट्थ इज गेस्ट ब्लॉग। द कंटेंट फॉर दीज ब्लॉग्स रिटन बाय गेस्ट राइटर्स हु आर टिपिकली एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। जो गेस्ट ब्लॉग होते हैं इसमें क्या होता है, मेनली जो कंटेंट होता है वो गेस्ट राइटर्स के द्वारा लिखा जाता है, और जो गेस्ट राइटर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अपनी उस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत बढ़िया और अच्छी नॉलेज होती है उसके बारे में। दिस लीव्स द ब्लॉग ओनर फ्री टू मैनेज एंड प्रोमोट द ब्लॉग। इस वजह से जो ब्लॉग ओनर होता है वो बहुत ही फ्री होता है कि वो अपने ब्लॉग को मैनेज कर सकता है, उसे प्रमोट कर सकता है, वाइल प्रोवाइडिंग कंटेंट दैट माइट इवन बी बियॉन्ड द ब्लॉग ऑनर्स एक्सपर्टीज। और कई बार उसे ऐसा भी कंटेंट ब्लॉग जो ब्लॉग होता है कंटेंट होता है उसे आगे शो करना पड़ता है जो उसकी अपनी खुद की एक्सपर्टाइज से भी बहुत ज़्यादा अलग होता है। लास्ट इज योर प्रोफेशनल ब्लॉग। दे आर एंगेज इन जनरेटिंग रेवेन्यू। जो प्रोफेशनल ब्लॉग होते हैं ये ज़्यादातर किस लिए होते हैं, मनी जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। दे आर ऑल द स्टेप्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स मोनेटाइजेशन। वो जितने भी स्टेप्स लेते हैं उनके ये सारे स्टेप्स केवल मोनेटाइजेशन के लिए होते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ इनकम के लिए होते हैं। सो लेट्स सी दीज टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स इन ऑन अवर प्रैक्टिकल। अब इन सारे ब्लॉग्स को हम एक बार प्रैक्टिकल में देखते हैं कि हर ब्लॉग जो होता है वो कैसा होता है और किस तरीके से दिखाई देता है।
So let's search first of all personal blog websites. जो पर्सनल ब्लॉग की वेबसाइट्स होती हैं वो किस तरीके से दिखाई देती हैं। सो इन दिस वेबसाइट दे हैव गिवन यू 23 बेस्ट पर्सनल वेबसाइट्स दैट द पर्सन हैड मेड फॉर देयर ओन यूज, जो उन लोगों ने अपने खुद के यूज के लिए बनाई है। ओके So in this you can say that Greyshank is the first site. Greyshank एक site है जिस एक personal blog है. Okay. Then is Ralph Derroles. Pascal Van German. So ये सब क्या है, ये सारी की सारी क्या है personal websites हैं. तो चलिए इनमें से एक website को हम open करके देखते हैं. तो आप देखेंगे कि ये किस तरीके से नजर आ रही है, पास्कल वैन जर्मन इंटरैक्टिव रेज्यूम। तो इसमें क्या है, उसने अपना प्रोफाइल डाल रखा है, अपने एक्सपीरियंसेस डाल रखे हैं और कहाँ से उसने कौन सी एजुकेशन ली है वो सब उसने डाल रखा है। तो ये क्या है, एक पर्सनल ब्लॉग है, यानी कि इस पर्सन ने अपने बारे में इसमें सारी चीजें डाल रखी है कि वो एक्चुअली क्या करता है, क्या उसकी एबिलिटीज है, क्या प्रोजेक्ट्स वो करता है। तो जो पर्सन इस सेम इंटरेस्ट के हैं दे कैन कम ऑन दिस साइट एंड दे कैन जस्ट ज्वाइन हिम, और वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके साथ ये प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स अभी आप देख रहे हैं कि वो खुद से इन प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर चुका है। सो दिस वर ऑल अबाउट योर पर्सनल ब्लॉग। नेक्स्ट इज अवर पर्सनल ब्रांड ब्लॉग। तो चलिए पर्सनल ब्रांड ब्लॉग को भी देख लेते हैं हम कि वो किस तरीके से दिखाई देते हैं। ओके सो आई एम ओपनिंग दिस 10 अमेजिंग पर्सनल ब्रांडिंग एग्जाम्पल्स, कि अगर पर्सन को अपना खुद का ब्रांड दिखाना है, किसी को शो करना है, सो दैट यू कैन डू। सो सिमोन कॉलिजन आई एम ओपनिंग, ये एक पर्सनल ब्रांड है। मैं आपको सारा कुछ इसमें दे रखा है कि इनके पास क्या क्या है आर्टिकल्स, इसने कौन कौन से लिख रखे हैं अपने पर्सनल ब्रांड पे, यानी कि वो खुद को एडवर्टाइज कर रहा है अपने इस ब्लॉग के थ्रू और अपने खुद के लिखे हुए आर्टिकल्स वो इसमें पब्लिश कर रहा है। सो दिस इज द इंटरफेस ऑफ योर पर्सनल ब्रांड ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं दैट हाउ मेनी आर्टिकल्स ही हैज रिटन। ओके तो अगर आप इसमें से किसी भी एक आर्टिकल को क्लिक करेंगे यू विल बी एबल टू सी द होल आर्टिकल, तो आप उसके पूरे आर्टिकल को देख सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू कंपनी ब्लॉग। अब हम कंपनी के ब्लॉग में चलते हैं। ओके इट इज शोइंग यू टॉप 100 कॉर्पोरेट ब्लॉग्स वेबसाइट्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। सो द 10 बेस्ट कंपनी ब्लॉग्स वी आर ओपनिंग एंड यू कैन चूज एनी कंपनी फ्रॉम हेयर। इसमें से आप कोई भी कंपनी चूज कर सकते हैं, जैसे ड्रीम ब्लॉग डॉट कॉम हो गई एंड अदर्स ऑल्सो दे आर। ओके एटमेल की जो वेबसाइट है इसको लगभग 20 ईयर्स हो चुके हैं अपना ये ब्लॉग चलाते हुए। सो इन दिस दे हैव गिवन यू मैनी थिंग्स ओवर हेयर। ठीक है, उन्होंने आपको COVID-19 के बारे में बताया, हाउ कैन टेलकोज ऑफसेट लॉस्ट रेवेन्यूज, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजर एक्सपीरियंस विद कार्लो वाइज। तो उन्होंने अपनी सारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, हाउ टू ग्रो रेवेन्यू विद ईमेल प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड ईमेल सिक्योरिटी, लाइव वेबिनार्स। सो वट एवर दे आर शोइंग दे आर जस्ट शोइंग यू अबाउट देयर कंपनीज मेल कंपनीज ब्लॉग, राइट। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी कंपनीज के ब्लॉग को ओपन करके सर्च कर सकते हैं कि व्हाट एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग। नाउ लेट्स कम टू आर्टिस्ट ब्लॉग। ओके तो आर्टिस्ट के पास भी आगे सबसे पहली साइट आपके पास कैनवा है। ठीक है,
इसमें आर्टिस्ट की तो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, उसके अलावा और भी कई सारी चीजें इसमें सर्च कर सकते हैं आप। और हाँ, आर्टिस्ट की वेबसाइट पे आप खुद भी अपने लिए कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर आपको चाहिए हो तो आप अपने लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे कैनवा है तो इसमें हम दिखा रखा है उसने, इज एन आर्ट ब्लॉग फुल ऑफ डिजाइन टिप्स एंड इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। इसमें आपके पास खूब सारे डिजाइन बने हुए हैं, बिगनर्स से लेके प्रोफेशनल तक पर्सन इसमें काम कर सकते हैं। देन इज योर हाई फ्रक्टोज, दिस इज ऑल्सो एन आर्ट ब्लॉग, ये भी एक आर्ट ब्लॉग है, इसमें भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन इट एंड सी दैट हाउ एन आर्टिस्ट ब्लॉग लुक लाइक, एक आर्टिस्ट का जो ब्लॉग होता है वो कैसे दिखता है। ओके, सो यू कैन सी ओवर हेयर कि एक आर्टिस्ट के रिलेटेड इसमें जो जो चीजें हैं वो सब उसने इसमें डाल रखी हैं, वट एवर ही हैज क्रिएटेड, डिजाइंड और पेंटेड, तो सब उसने यहाँ पे आपको शो कर रखा है, राइट? सो दिस इज नोन एज आर्टिस्ट ब्लॉग। नाउ लेट्स कम टू अवर पर्सनल सर्विसेज ब्लॉग, जिसमें कि मैंने आपको कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा जो लोकल सर्विसेज होती हैं उसके लिए सबसे अच्छी वेबसाइट होती है। सो दे आर ऑल्सो गिविंग यू द पर्सनल ब्लॉग्स ओवर हेयर, सो वेन एवर यू आर क्रिएटिंग द पर्सनल ब्लॉग सो यू कैन क्रिएट द पर्सनल सर्विसेज ब्लॉग ऑल्सो, कि अगर आपका काम है लॉन केयर का प्रोवाइड करना तो आप अपनी लॉन केयर के ऊपर अपना एक पर्सनल ब्लॉग बना सकते हैं और लोगों को अलाउ कर सकते हैं कि आप उस पर विजिट करिए और देखिए दैट वट एक्चुअली इज बींग गोइंग ऑन इन योर वेबसाइट, वट सर्विसेज यू आर प्रोवाइडिंग, वट इज योर कॉस्ट फॉर दैट। तो आप इस तरीके से अपनी पर्सनल वेबसाइट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सी लाइक दिस ट्रैवल ब्लॉग, अगर आपकी ट्रैवल एजेंसी है तो आप ट्रैवल एजेंसी के लिए अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हेल्थ से रिलेटेड आप कर सकते हैं। सो इन इन पर्सनल सर्विसेज यू कैन प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज थ्रू योर ओन ब्लॉग, अपने खुद के ब्लॉग के जरिए। नेक्स्ट इज अवर माइक्रो ब्लॉग। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया था ट्विटर, उसके अलावा आपका टम्बलर है, पी इंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, सो दीज ऑल आर योर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स। आप कभी भी अगर ट्विटर को ओपन करके देखेंगे या अगर आप उस पर काम करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि माइक्रो ब्लॉगिंग मैं किसे कह रही हूँ और आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देन इज अवर न्यूज ब्लॉग, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू द इंडियन न्यूज वेबसाइट्स एंड हेयर 10 मोस्ट पॉपुलर न्यूज ब्लॉग्स ऑन द इंटरनेट दे आर शोइंग यू। सो लेट्स सी वट मोस्ट पॉपुलर न्यूज ब्लॉग्स वी हैव। द फर्स्ट वन ओवर हेयर दैट वी हैव इज द हफिंगटन पोस्ट। हफिंगटन पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। वेन यू ओपन इट हेयर यू विल गेट टू नो दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ न्यूज ओवर हेयर। तो देखिए आपको यहाँ पे न्यूज देखने को मिलेंगी सारी ओवर हेयर, यू आर एबल टू सी इट, राइट? सो न्यूज ब्लॉग्स आर फॉर पोस्टिंग द न्यूज एंड दे आर मेनली पोस्टेड बाय द जर्नलिस्ट, क्योंकि न्यूज जो होती है वो हमेशा जर्नलिस्ट ही आपको प्रोवाइड करते हैं। सो उनमें से जो भी रिलेटेड न्यूज होगी वो हमेशा जर्नलिस्ट ही पोस्ट करेंगे आपके न्यूज ब्लॉग में। देन इज अवर गेस्ट ब्लॉग। गेस्ट ब्लॉग बनाना नहीं पड़ता है, देयर आर मेनी वेबसाइट्स दैट प्रोवाइड यू विद द गेस्ट ब्लॉग फैसिलिटीज, की कोई भी पर्सन उसमें आके क्या कर सकता है, अपनी ब्लॉगिंग कर सकता है, उसमें लिख सकता है। सो लाइक कॉपी ब्लॉगर, CMO, सोशल मीडिया एग्जामिनर, बिजनेस इनसाइडर, डिजाइन मिल, ये सारी क्या है वो वेबसाइट्स हैं जो कि आपको एज ए गेस्ट इनवाइट कर रही हैं, एंड एज ए गेस्ट ब्लॉगर यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग, आप अपना ब्लॉग इन साइट्स पर लिख सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज योर प्रोफेशनल ब्लॉग।
प्रोफेशनल ब्लॉग वेबसाइट्स में आपके पास है wordpress.org, या ये जो वेबसाइट होती है इसमें आप स्पेशली अपने खुद की वेबसाइट्स बना सकते हैं, joomla.com, ghost.org। सो ये सारी क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं, क्योंकि इनके थ्रू उनका अपना बिजनेस चल रहा है, अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, वो मनी बना रहे हैं। सो यू कैन चूज एनी ऑफ दिस इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन प्रोफेशनल ब्लॉग, अगर आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स। सो अभी तक हमने इतना सब कुछ ब्लॉग्स के बारे में पढ़ा कि ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉगर क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई एक्चुअली ब्लॉग्स आर इन सो मच यूज, कि जो ब्लॉग्स हैं वो इतना ज़्यादा यूज में क्यों है। द फर्स्ट वन इज योर ईजी एंड क्विक वे टू अपडेट और एड न्यू पोस्ट। जो ब्लॉग्स होते हैं वो बहुत ही एक ईजी और बहुत ही क्विक जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं और नई पोस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड इज हेल्प्स इन राइटिंग व्यूज ऑन एनीथिंग। आप किसी भी चीज़ को लेके अगर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट वे दैट यू कैन शेयर योर व्यूज विद एनीवन बाय राइटिंग देम इन द ब्लॉग। थर्ड वन इज पीपल कैन राइट कमेंट्स ऑन योर ब्लॉग। वो लोग जिनका की सेम इंटरेस्ट है आपके उस वाले ब्लॉग में जो कि आपने लिखा है, इफ दे ऑल्सो वॉन्ट टू शेयर देयर व्यूज दे कैन ऑल्सो राइट कमेंट्स अबाउट योर ओन व्यूज। जो आपने व्यू लिखा है, शेयर किया है, उसी व्यू पर वो क्या करेंगे, अपना खुद का कमेंट भी डालेंगे। देन इज हेल्प्स इन इंक्रीजिंग बिजनेस। आप इसके थ्रू अपना बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं, दैट इज मेनली योर प्रोफेशनल ब्लॉग। कैन रीड एनी बडीज ब्लॉग्स, आप किसी भी पर्सन का ब्लॉग आसानी से रीड कर सकते हैं। नाउ कम टू डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्लॉग्स। अब एडवांटेजेस तो बहुत है हमारे ब्लॉग्स के, बट देर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। द फर्स्ट वन इज समटाइम्स कमेंट्स कैन बी रूड और इनअप्रोप्रिएट। हालांकि जो पर्सन कमेंट कर रहे हैं आपके अपने व्यूज में, दे दैट इज अ एडवांटेज, लेकिन वो डिसएडवांटेज कब बन जाता है, जब वही कमेंट क्या होता है, रूड हो जाता है या ऐसा हो जाता है दैट यू कांट टॉलरेट, जो आप टॉलरेट नहीं कर सकते या पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। देन टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है ये। वट एवर इज पब्लिश इज अवेलेबल फॉर एवरी वन टू रीड, क्योंकि अभी हमने एडवांटेज में पढ़ा था कि कोई भी ब्लॉग रीड कर सकता है, तो ये एक तरीके से डिसएडवांटेज भी बन जाता है, क्योंकि आप जो भी पब्लिश कर रहे हैं वो कोई भी रीड कर सकता है। सो एवरी थिंग इज नॉट पर्सनल टू यू, हर कोई चीज आपके लिए पर्सनल नहीं है। हैव टू सर्च फॉर नॉलेजेबल ब्लॉग्स, आपको नॉलेजेबल ब्लॉग्स के लिए सर्च करना पड़ता है, क्योंकि इतने मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स हैं इस समय कि हर ब्लॉग आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगा। सो यू हैव टू सर्च फॉर द ब्लॉग्स दैट प्रोवाइड यू विद द पर्टिकुलर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दैट यू आर सर्चिंग फॉर। पर्सनल ब्लॉग्स मे बी बायस्ड और कंटेन इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। जो पर्सनल ब्लॉग होते हैं वो बायस भी हो सकते हैं या इन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी अपने पास रख सकते हैं। बायस इसलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ पर हमारे जो व्यूज़ हैं दूसरे पर्सन के भी वही व्यूज़ हों, या हम कई बार ये कर सकते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग जिस चीज़ को सही मानते हैं उसके बारे में बात करें, लेकिन वही चीज़ दूसरे पर्सन के व्यू से गलत भी हो सकती है। सो पर्सनल ब्लॉग्स कैन बी बायस्ड एंड दे कैन कंटेन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज अवर न्यूज ग्रुप्स। अब बात करते हैं व्हाट आर न्यूज ग्रुप्स। वेल अ न्यूज ग्रुप इज एन ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। एक न्यूज ग्रुप क्या होता है, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होती है वेयर यू कैन डिस्कस अ थिंग और अ स्पेसिफिक टॉपिक, जहाँ पर आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर आपस में डिस्कस कर सकते हैं। दैट इज बीइंग डिस्प्लेड इन द न्यूज ग्रुप नेम। और किस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक जो कि न्यूज ग्रुप नेम में डिस्प्ले किया गया है। व्हेनेवर अ पर्सन सेंड्स अ मैसेज, जब भी एक पर्सन मैसेज भेजता है तो न्यूज ग्रुप क्या करता है, द न्यूज सर्वर पोस्ट दैट मैसेज फॉर एवरी वन टू रीड इट। तो जो न्यूज सर्वर होता है वो क्या करता है, उस मैसेज को हर पर्सन के लिए अवेलेबल कर देता है, जिससे कि जितने भी पर्सन उस समय वॉच कर रहे हैं उस न्यूज ग्रुप को, वो सब उसको रीड कर सकें।
आप एक न्यूज़ ग्रुप के अंदर मैसेज को पोस्ट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और यहाँ तक कि दूसरे के पोस्ट किए गए मैसेजेस को रिप्लाई भी कर सकते हैं। और एग्जांपल्स क्या है हमारे, ऑल डॉट एस्ट्रोलॉजी, ऑल डॉट हैकर्स, ऑल डॉट किल द वेल्स, तो बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप्स आपको इस समय वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं, ऑल डॉट एस्ट्रोलॉजी। ओके, तो देखिए जब मैंने ऑल डॉट एस्ट्रोलॉजी लिखा तो उन्होंने क्या लिखा, गूगल ग्रुप्स, कि ये गूगल का ग्रुप है। एंड व्हेन यू ओपन इट, और जब आप इसे ओपन करेंगे, ओके, तो आप देखिए यहाँ पे कितने सारे लिखे हुए हैं, क्लास स्ट्रगल्स एंड टीनेज अब्यूज, एड वोमेन इज अ सोशल पाथ। तो ये क्या है, एक डिस्कशन चल रही है, ठीक है। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, तो देखिए इसमें एक पर्सन ने अपने सारी इंफॉर्मेशन डाल रखी है, एक आर्टिकल लिख रखा है, और उस पर दूसरे पर्सन ने क्या लिखा हुआ है, कमेंट्स लिखे हुए हैं। तो न्यूज़ ग्रुप इसीलिए होते हैं कि आप अपनी बातें शेयर करिए और आपस में आप उस टॉपिक के लिए डिस्कस करिए। इन ए न्यूज़ ग्रुप बॉट्स कैन बी यूज टू डिलीट द कंटेंट ऑटोमेटिकली। न्यूज़ ग्रुप्स में हम क्या करते हैं, बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं किसी भी कंटेंट को ऑटोमेटिकली डिलीट करने के लिए। न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सब्जेक्ट हायरार्कीज, मेन कैटेगरी एंड सब कैटेगरीज। न्यूज़ ग्रुप्स को हम एक हायरार्किकल वे में अरेंज करते हैं, यानी कि पहले मेन कैटेगरी, और उस मेन कैटेगरी के अंदर और क्या क्या कैटेगरीज सब कैटेगरीज आती हैं, उस वे में हम हमेशा इसमें अरेंजमेंट करके रखते हैं। यू कैन एंटर अ न्यूज़ ग्रुप बाय सब्सक्राइबिंग इट। आप किसी भी न्यूज़ ग्रुप में अगर एंटर करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, यू जस्ट हैव टू सब्सक्राइब इट एंड देन यू कैन स्टार्ट डिस्कसिंग ऑन द टॉपिक्स इन अ न्यूज़ ग्रुप। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप, वी हैव मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप। द फर्स्ट वन इज मॉडरेटेड न्यूज़ ग्रुप। अब मॉडरेटेड न्यूज़ ग्रुप क्या होता है, इट इज मॉनिटर्ड बाई एन एडमिनिस्ट्रेटर हु मे स्क्रीन पोस्ट टू द ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस ऑफ कंटेंट। जो मॉडरेटेड न्यूज़ ग्रुप होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा मॉनिटर किए जाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसकी ड्यूटी क्या होती है, ये चेक करना कि कौन सा कंटेंट अप्रोप्रिएट है और कौन सा इनअप्रोप्रिएट है। तो जो कंटेंट अच्छा होता है, इन अप्रोप्रिएट होता है, उसको वो क्या कर देता है, पोस्ट कर देता है, और इन अप्रोप्रिएट कंटेंट को वो रिमूव कर देता है। एंड व्हेन वी कम टू आवर सेकेंड न्यूज ग्रुप टाइप, दैट इज अनमॉडरेटेड न्यूज ग्रुप, दे आर नॉट मॉनिटर्ड, इनको मॉनिटर नहीं किया जाता, एंड यू कैन पोस्ट एनी काइंड ऑफ आर्टिकल इन इट। आप इसमें किसी भी तरह का आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं, एंड वट एवर यू विल पोस्ट इट विल बी पोस्टेड ऑन इट एज इट इज, और जो पोस्ट करेंगे वो वैसे का वैसा ही इसमें पोस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज अवर यूजिंग अ न्यूज ग्रुप, क्योंकि अब आपके सबके माइंड में ये होगा कि हमें न्यूज ग्रुप अगर यूज करना है तो हम कैसे करेंगे न्यूज ग्रुप को यूज। सो फॉर यूजिंग अ न्यूज ग्रुप व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्च फॉर ग्रुप्स। गूगल में आपको ग्रुप्स के लिए सर्च करना पड़ेगा। सेलेक्ट एनी ग्रुप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए कोई भी एक ग्रुप चूज करिए, एंड क्लिक ऑन ज्वाइन ग्रुप आइकन टू बिकम इट्स मेंबर। और आपको वहां पर एक ज्वाइन ग्रुप का आइकन दिखेगा, अगर आप उसका मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको उस ज्वाइन ग्रुप आइकन को क्या करना है, क्लिक करना है। यू कैन नाउ पोस्ट योर मैसेजेस। अब एक बार आपने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया, उसके बाद आप मैसेजेस अपने पोस्ट कर सकते हैं, दूसरों के मैसेजेस पढ़ सकते हैं, और यहाँ तक कि उनके रिप्लाई भी दे सकते हैं। देयर आर सम न्यूज ग्रुप्स इन विच यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट पोस्टिंग योर मैसेजेस विदाउट साइनिंग इन, लेकिन कई ऐसे भी न्यूज ग्रुप्स होते हैं जिसमें बिना साइन इन किए, बिना ज्वाइन किए आप डायरेक्ट अपने मैसेजेस को पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी इफ वी सर्च ओवर हेयर फॉर द न्यूज ग्रुप्स, हेयर यू विल गेट लिस्ट ऑफ न्यूज ग्रुप्स। आपको यहाँ पे न्यूज ग्रुप्स की लिस्ट मिलेगी। ओके,
So they here they have given you many. So click any one. ओके तो आप इधर देखिए इसमें उन्होंने लिखा हुआ है यू कैन नॉट क्रिएट दिस आर्टिकल, आप इस आर्टिकल को क्रिएट नहीं कर सकते. यू मे नीड टू लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट, आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा या अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. तो इसी तरीके से आपको बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको लॉग इन करना पड़ता है, उसे ज्वाइन करना पड़ता है. ओनली फ्यू वेबसाइट्स आर देयर इन विच यू डोंट हैव टू लॉग इन और क्रिएट योर अकाउंट. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ न्यूज ग्रुप्स. द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ न्यूज ग्रुप इज इट प्रोवाइड्स यू द बेटर स्ट्रक्चर, इट मीन्स वेल डिफाइंड मैसेज स्ट्रक्चर. जो मैसेज का स्ट्रक्चर होता है बहुत अच्छे से डिफाइंड होता है. इसमें न्यू मैसेजेस आर कैप्ट ऑन सर्वर, जो नए मैसेजेस होते हैं वो सर्वर पर रखे जाते हैं. प्रोवाइड यू विद FAQ, दस प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन टू योर क्वेश्चंस. आपके पास फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन का कॉलम होता है जिसमें कि आप अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं. हैव ए मॉडरेटर, इनके पास एक मॉडरेटर होता है, मॉडरेटर की अभी हमने बात करी थी. पीपल कैन एंटर एंड लीव न्यूज डिस्कशन ईजली, अगर आप किसी न्यूज डिस्कशन में हिस्सा लेना चाहते हैं और उसको छोड़ना चाहते हैं किसी भी टाइम पे, तो आप आसानी से ये काम कर सकते हैं. सिंस दे आर नॉट ईमेल बेस्ड, क्योंकि ये ईमेल बेस्ड नहीं होते, मेल बॉक्सेज आर नॉट क्लॉग्ड विद अनवांटेड और रिडंडेंट मेल. इसलिए आपके जो मेल बॉक्सेज होते हैं उसमें अनवांटेड या ऐसी कोई मेल दैट यू आर नॉट इन नीड, जिसकी आपको जरूरत नहीं है, वो आपके मेल बॉक्स में इकट्ठी नहीं होती. The disadvantages are not as quick as an email or a mailing list. एक mailing list या email की तरह बहुत ज़्यादा fast नहीं है. Inappropriate information can be posted. ऐसी information जो अनचाहिए वो भी इसमें post की जा सकती है. Invite you to make money fast or to visit inappropriate sites. कई बार क्या होता है इसमें आपको ऐसे भी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं जिसमें कि आपको कहेगा कि आप इस तरीके से पैसा जल्दी कमा सकते हैं, या आपको एक ऐसी वेबसाइट पर पहुंचा देगा दैट इज नॉट गुड फॉर यू और राइट फॉर यू. नीड टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस, इसमें एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि कोई भी पर्सन आ रहा है और कुछ भी लिख के और कुछ भी डिस्कस करके जा रहा है. पोस्टिंग ईमेल एड्रेस रिसीव स्पैम, और अगर आप ईमेल एड्रेस उसमें अब अपना डालते हैं तो आपको स्पैम्स मिलने की चांसेस हैं कि आपको स्पैम्स मिलेंगे. नेक्स्ट इज अवर HTML. HTML इज अ स्पेशल लैंग्वेज. HTML एक तरह की स्पेशल लैंग्वेज है दैट हेल्प्स यू टू व्यू इंफॉर्मेशन, इमेजेस, एडवर्टाइजमेंट्स एटसेट्रा. HTML को हम कहते हैं कि एक तरह की ऐसी लैंग्वेज है विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डिजाइन योर वेब पेजेस, आप अपने वेब पेजेस डिजाइन कर सकते हैं. बिकॉज वट एवर द वेबसाइट्स वी ओपन टूडे, आज हम जो भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं लाइक दिस वी आर ओपनिंग, और या कोई भी ऐसी वेबसाइट जो हम ओपन कर रहे हैं, ओके, सम वेयर दे हैव वॉट दे हैव यूज्ड HTML इन देयर डिजाइनिंग. इन लोगों इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी इस डिजाइनिंग में HTML का यूज किया है. HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज. हम कहते हैं कि HTML क्या है, एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है. स्टैंडर्ड मतलब बेसिक लैंग्वेज है. टू डिजाइन वेब पेजेस दैट आर लेटर डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जो कि बाद में वेब ब्राउजर में डिस्प्ले किए जाते हैं. इफ वी आर सीइंग दिस वेबसाइट ओवर हेयर, सो द डिजाइनिंग दैट इज ओवर हेयर दैट इज अ पार्ट ऑफ HTML. और जिस के अंदर आप इसे देख रहे हैं, राइट नाउ यू आर सीइंग इट इन गूगल क्रोम. सो गूगल क्रोम इज योर वेब ब्राउजर दैट इज हेल्पिंग यू टू डिस्प्ले योर वेब पेजेस, जो कि आपके वेब पेजेस को डिस्प्ले कराने में आपकी मदद कर रहा है. HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अगर हम HTML की फुल फॉर्म की बात करें तो HTML इज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. और अगर हम ये बात करें कि HTML कब आई थी, किसने इन्वेंट करी थी, सो इट वॉज इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स ली. टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था 1990 में. बट
इट वॉज नॉट ऑफिशियली रिलीज, लेकिन इसे ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया था. सो एच टी एम एल वन वॉज इन 1992, इन 1995, देन 3.2 इन जनवरी 1997, 4.0 इन 1997, एच टी एम एल 5 इन 2014 और 2016. हालांकि ये 2012 में आ गई थी, लेकिन इसको बहुत अच्छे से जब इस्तेमाल करना शुरू किया गया, दैट वॉज 2014, एंड एच टी एम एल 5.2 इन 2017. तो जो फर्स्ट एच टी एम एल थी, मैंने आपको अभी बताया, वो ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई थी. एंड वेन एच टी एम एल 2.0 केम इन नवम्बर 1995, इट वॉज ऑफिशियली रिलीज एंड वी आर एबल टू यूज इट टू डिजाइन अवर वेब पेजेस. सो लेट्स स्टडी वट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज, कि एच टी एम एल को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहा जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड ईच वर्ड इंडिविजुअली. यहाँ पे हम हर वर्ड को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इंडिविजुअली समझेंगे कि एक्चुअली ऐसा क्यों है. हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है एक सिंपल डिजिटल टेक्स्ट या इमेज जो कि क्या रखती है, लिंक रखती है अदर टेक्स्ट, दूसरे टेक्स्ट के लिए, जिसके थ्रू आप दूसरे किसी टेक्स्ट से या पेज से कनेक्ट हो सकते हैं. मार्कअप रेफर्स टू स्पेशल सिंबल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. मार्कअप का मतलब होता है एक ऐसे स्पेशल सिंबल्स जिनके थ्रू आप किसी स्टाइल को या वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकते हैं. एंड इफ वी टेक मार्कअप लैंग्वेज टुगेदर, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज दैट इज यूज फॉर प्रोसेसिंग डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट. एक ऐसी लैंग्वेज जो कि आपके टेक्स्ट को प्रोसेस करती है, डिफाइन करती है और उसे आपके आगे प्रेजेंट करती है. We write HTML through this coding. As you can see over here, आपको एक कोडिंग दिखाई दे रही होगी. HTML, then head, then title. We have closed the title over here. यहाँ पे आप अपने पेज का टाइटल लिखते हैं. Then we close our head and then body. Body is the main part where your actual designing of a page takes place. क्योंकि आपको अपने पेज में कुछ भी इंक्लूड करना है, कुछ भी डालना है. That is all through your body tag. वो सब आपके body tag के जरिए किया जाता है. And in the end we close our HTML tag. तो अगर आप अपना एक HTML page बनाएंगे तो आपको इस तरीके से वो आपके local host पे दिखाई देगा. तो आप ये देख सकते हैं that how it will be designed. Let's open our notepad, क्योंकि notepad के जरिए ही हमारा जो HTML page होता है वो design किया जाता है. So I am writing over here. आप इसको कैप्स में लिखिए या स्मॉल में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज नॉट केस सेंसिटिव. ये केस सेंसिटिव नहीं है. नाउ राइट योर टाइटल. फर्स्ट वेब पेज एंड क्लोज योर टाइटल टैग ओवर हेयर एंड क्लोज योर head tag, then open up your body tag over here. अपना body tag आप open करिए and write this is HTML. लेकिन मैं इसका font size बढ़ा देती हूँ, इसमें एक tag और डाल के. We will study all these tags in detail when we will start our unit 2, जब हम अपनी unit 2 start करेंगे. Now close your body tag and close your HTML tag. Save this file with ABC. I am saving. Now open up your this file. Just right click on it. And open it with your Google Chrome. So you can see page title आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, first web page, और ये आपको body tag में जो आपने लिखा था that it is showing you. तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने HTML page को design कर सकते हैं.
नेक्स्ट टॉपिक इज अवर वेब एड्रेस. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेब एड्रेस. अब वेब एड्रेस क्या होता है? एड्रेस हम से तो हम समझते ही हैं कि एड्रेस क्या होता है. एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि आपका लोकेशन पता लगता है. आपके घर का भी पर्टिकुलर एड्रेस होता है. तो कोई भी आपको कोरियर रिसीव करना है, पार्सल रिसीव करना है या कोई लेटर रिसीव करना है, फॉर दैट वी हैव टू स्पेसिफाई द पर्टिकुलर एड्रेस जिससे कि उस पर्सन को चीज मिल जाए. सो इफ वी टॉक अबाउट वेब एड्रेस, सो एन एड्रेस दैट स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ ए वेब रिसोर्स. एक कंप्यूटर नेटवर्क पे या वेब सर्वर पे अगर हमें किसी वेब की वेब का रिसोर्स मिलता है, किसी वेबसाइट का लोकेशन मिल जाता है, तो उसे हम एड्रेस कहते हैं. एंड ए मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट इज कॉल्ड वेब एड्रेस. और एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम उन चीज़ों को रिट्रीव कर सकते हैं, ले सकते हैं, उसे वेब एड्रेस कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज URL. इसे हम URL भी कहते हैं. दैट स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. इसका नाम ही यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके जरिए हमें एक पर्टिकुलर वेबसाइट ओपन करने को मिल जाती है. बोथ टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली बाय द पीपल. हम वेब एड्रेस और URL इनको इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं और बहुत से लोग इन्हें इस्तेमाल करते भी हैं. तो अगर हम एक URL की बात करें कि एक URL कैसे दिखता है, तो एक URL में क्या होता है? पहले तो टाइप ऑफ सर्वर या प्रोटोकॉल होता है, देन एड्रेस ऑफ सर्वर, सर्वर का एड्रेस होता है, और फिर फाइल का पाथ होता है. जैसे कि यहाँ पे पहले हमारे पास HTTPS, ये क्या है? एक प्रोटोकॉल है. देन वी हैव एड्रेस ऑफ सर्वर, सर्वर का एड्रेस है हमारे पास, और फिर हमारे पास फाइल का पाथ है. दिस थिंग विल बी मोर क्लियर टू यू विद दिस इमेज. इस इमेज से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. HTTP आपका यहाँ पे क्या है? एक प्रोटोकॉल है. देन इट हैज़ गिवन यू द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क. आपकी वेबसाइट का एड्रेस दे रखा है इसमें. और जो .gov है, ये आपके क्या है? डोमेन्स होते हैं. .org, .gov, .edu, that's all. देन ओपिनियंस इज द फोल्डर. ओपिनियंस जो है वो क्या है? आपका फोल्डर है. एंड देन इट हैज़ द सब फोल्डर इन साइड द ओपिनियंस. ओपिनियंस के अंदर आपका सब फोल्डर है. एंड देन वी हैव द PDF फाइल इन द सब फोल्डर. और सब फोल्डर के अंदर हमारी जो PDF फाइल है उसका लोकेशन इसने दे रखा है. द URL वॉज डिफाइंड इन 1994. जो URL था वो 1994 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा क्या किया गया था? डिफाइन किया गया था. और टिम बर्नर्स-ली को हम फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं, क्योंकि इससे पहले के सेशन में जब हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिस्कस किया था, देन वी केम टू नो दैट टिम बर्नर्स-ली इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ URL जो कि अभी हमने पढ़े हैं, तो अगर हम उनको डिटेल में स्टडी करें तो आपके एलिमेंट्स ऑफ URL क्या है? टाइप ऑफ सर्वर और प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज फाउंड एट द बिगनिंग ऑफ एवरी URL. हर URL के स्टार्टिंग में आपको ये देखने को मिलता है. इट टेल्स अवर ब्राउजर हाउ टू कम्युनिकेट. ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि उसे एक वेबसाइट के सर्वर से किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन सेंड कर सकें और रिट्रीव कर सकें. डोमेन नेम, इट इज़ एन आइडेंटिफायर फॉर ए स्पेसिफिक वेबसाइट. ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए आइडेंटिफायर का काम करता है, जैसे कि हमारा जो होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का. एंड इफ वी टॉक अबाउट पाथ, इट डायरेक्ट्स द ब्राउजर टू अ स्पेसिफिक पेज. जो पाथ होता है वो क्या करता है? किसी भी वेबसाइट के एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज तक हमें पहुँचाता है. इंटरनेट सर्वर्स एंड डोमेन्स. इंटरनेट सर्वर्स और डोमेन्स दैट हेल्प अस टू रीच अ पर्टिकुलर वेबसाइट, दे आर इन इंटरनेट सर्वर्स इट इज FTP, गोफर, TCP/IP, HTTP, मेल एंड न्यूज. एंड डोमेन्स इट इज .com, edu, gov, org, net. So there are many domains and many internet servers that will help you to reach to a particular website. Now let's come to email address. In this we are just discussing about what email address is.
बट वी विल स्टडी इट इन डिटेल इन अवर नेक्स्ट सेशन, क्योंकि सीबीएसई ने जिस तरीके से आपका करिकुलम डिजाइन किया है उसके अकॉर्डिंग उसने एक ईमेल एड्रेस टॉपिक दिया है एंड देन इट हैज गिवन द नेक्स्ट टॉपिक ईमेल। तो ईमेल एड्रेस क्या है, ईमेल का ही पार्ट है बट एज इट इज गिवन डिफरेंटली, तो इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ ईमेल एड्रेस को थोड़ा सा डिस्कस करें, बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट एन ईमेल एड्रेस इज, ये सबको पता होता है क्योंकि आजकल हर किसी का अकाउंट होता है, वेदर इट इज ऑन जीमेल, याहू। सो ईमेल एड्रेस इज व्हाट, इट इज अ यूनिक एड्रेस दैट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग ए पर्सनस ईमेल अकाउंट। ये एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि हमें एक पर्सन का ईमेल अकाउंट ढूंढने में मदद करता है, जिससे कि हम उसमें सेंडिंग एंड रिसीविंग कर सकें, मैसेजेस को सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें, एंड अदर थिंग्स ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट के में और जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को भी एक पर्सन के ईमेल एड्रेस के थ्रू सेंड कर सकें और रिसीव कर सकें। एंड ईमेल हैज मेनली टू पार्ट्स, आपके ईमेल के दो पार्ट्स होते हैं, यूजर नेम एंड डोमेन नेम ऑफ द होस्ट सर्वर। यूजर नेम जो से इस्तेमाल कर रहा है एंड डोमेन नेम ऑफ द होस्ट सर्वर जिस वेबसाइट पे कर रहा है। अगर मैं जीमेल पे कर रही हूँ तो @gmail.com इज द डोमेन नेम ऑफ होस्ट सर्वर, अगर मैं याहू पे कर रही हूँ तो yahoo.co.in इज द होस्ट सर्वर। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट, किसी भी रिमोट साइट से फाइल्स को डाउनलोड करना और अपलोड करना। लेकिन इसको सीखने से पहले वी शुड नो व्हाट एफटीपी प्रोटोकॉल इज, एफटीपी का प्रोटोकॉल क्या होता है, बिकॉज दिस इज द ओनली प्रोटोकॉल दैट हेल्प्स यू इन डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग ऑफ फाइल्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एफटीपी प्रोटोकॉल। इट इज़ अ स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल, ये एक स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल होता है दैट इज़ यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ओवर एनी नेटवर्क, जो कि किसी भी नेटवर्क के ऊपर फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए काम में आता है। और इसको जो हेल्प करता है प्रोटोकॉल फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए, दैट इज़ TCP/IP। TCP/IP के थ्रू ये प्रोटोकॉल अपनी फाइल्स को ट्रांसफर करने में हमारी मदद करता है। This protocol has two components, client and server. As we came to know that it is a client-server protocol, तो इसके दो components होते हैं, client और server. If we talk about FTP server, it is a computer that is running FTP server software. ये वो computer होता है जो कि FTP software को run कर रहा होता है and listens on the network for connection request from other computers. और network पे इसका क्या काम होता है, उन request को सुनना जो कि दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए की जाती है। एफटीपी क्लाइंट, इट इज आल्सो अ कंप्यूटर दैट रन्स व्हाट, क्लाइंट सॉफ्टवेयर एंड इट इनिशिएट्स अ कनेक्शन टू द सर्वर, और ये सर्वर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने में मदद करता है। एग्जांपल्स ऑफ एफटीपी, एफटीपी प्रोटोकॉल जो होता है वो अलग अलग विंडोज पे अलग अलग वर्क करता है, तो इसलिए इसके लिए अलग अलग FTP प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए गए हैं। विंडोज़ के लिए आपका WinSCP है, FileZilla, CoreFTP, AceFTP, Mac ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपका पास CyberDuck है, YummyFTP है, CaptainFTP, OneButton FTP, एंड इफ वी टॉक अबाउट Linux, इट इज़ CrossFTP, FireFTP, Nautilus, FileZilla etc. नाउ अब हमने ये तो पढ़ लिया कि FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, दोनों की वर्किंग क्या होती है, लेकिन FTP सर्वर से कनेक्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, व्हाट वी नीड टू कनेक्ट टू अ FTP सर्वर। सो आफ्टर इंस्टॉलिंग द रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर फॉर FTP एक्सेस, FTP एक्सेस को एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद वी require three things, that is web address, username and password. There are some FTP servers that allow anonymous or guest access. It means आपको ये तीनों चीज़ें की ज़रूरत नहीं है, ना web address की, ना username की, ना password की, as a guest आप उसमें access कर सकते हैं। Some FTP addresses are ftp.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 
फ्रेश rpms.net, ये सारे आपके क्या है एफटीपी के एग्जांपल्स हैं, आपके एफटीपी एड्रेसेस हैं। कनेक्टिंग टू एफटीपी सर्वर एंड अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल्स, एक एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करना एंड आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन हाउ यू कैन अपलोड एंड डाउनलोड योर फाइल्स दैट वी विल सी। फर्स्ट इज ओपन विंडोज एक्सप्लोरर और फाइल एक्सप्लोरर। अपना विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर आप ओपन करिए। टाइप एफटीपी फॉलोड बाय एड्रेस ऑफ एफटीपी सर्वर, एफटीपी टाइप करिए और उसके बाद एफटीपी सर्वर का एड्रेस लिखिए एड्रेस बार में। किसके एड्रेस बार में? विंडोज एक्सप्लोरर विंडो के एड्रेस बार में। देन द विंडोज एक्सप्लोरर फाइल सर्वर विल डू व्हाट? इट विल कनेक्ट टू द एफटीपी सर्वर, ये आपको एफटीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। एंड इफ द कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, और अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के, वी कैन सी द फोल्डर्स प्रेजेंट ऑन द सर्वर, तो सर्वर पे जितने भी फोल्डर्स मौजूद हैं वो सारे हम देख सकते हैं। एंड वंस योर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड यू विल बी एबल टू अपलोड एंड डाउनलोड द फाइल्स, आप फाइल्स को क्या कर सकते हैं अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ दिस विल बी डन, कि कैसे होगा। तो हम अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर लेते हैं। Now our file explorer window is open. So what we have to do, just right click on this PC and come to add a network connection. Okay, here you have to add a network location, click on next, choose a custom network location option, then click on next, and here you write the address of the FTP सर्वर। ओके, जिस भी सर्वर के साथ आपको कनेक्ट करना है उसका यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। हेयर वी आर लॉगिंग एनोनिमसली एज अ गेस्ट यूजर, सो वी आर नॉट एंटरिंग एनी यूजर नेम और पासवर्ड, क्लिक ऑन नेक्स्ट। एंड हेयर बिफोर freestone.net राइट FTP. एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। Uncheck this box, click on finish. As you click on finish, on the left hand side you will be able to see the address of your FTP server. Click on this and you will be able to see the files and the folders present over here in this server. Now the next step that we have to do is uploading a file. So file ko hume agar FTP server pe copy karna ho to hume kya karna hai? We just have to copy a file from our computer and we have to paste it in the FTP servers folder. जैसे हम अपने कंप्यूटर में बाकी फोल्डर्स को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करके पेस्ट करते हैं, वैसे ही इसमें भी करना है। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास परमिशन है या नहीं है। तो अगर मैं अपना कोई फोल्डर इसमें अपलोड करना चाहती हूँ, मान लीजिए ये हेलो नाम का मेरा फोल्डर है, मैंने इसे यहाँ से कॉपी किया एंड देन आई वॉन्ट टू पेस्ट इट ओवर हेयर, मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी वेदर इट विल अलाउ अस टू पेस्ट आवर फोल्डर ओवर हेयर और नॉट। सो इट इज नॉट अलाउइंग अस, इट मीन्स वी डजंट हैव द परमिशन टू अपलोड आवर फाइल्स, बट इफ यू हैव द परमिशन यू कैन ऑब्वियसली अपलोड देम। नाउ इफ वी कम टू द डाउनलोडिंग अ फाइल, देन वट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कॉपी अ file from the FTP server and paste it in our system. So we have one file over here, copy this file and then paste this file over here. So it is copying. तो यहाँ पे आप लास्ट में देखिए आपके पास वो फाइल यहाँ पे कॉपी होगी, इसका मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। You have the permission of downloading a file but you don't have the permission of uploading a file. So in this way you can upload and download files from a remote site. एक remote site से आप अपनी files को upload भी कर सकते हैं and download भी कर सकते हैं। जैसे जो हमने path choose किया था वहाँ पे हमें uploading के लिए permission चाहिए, but there can be some path जहाँ पर आपको uploading की permission ना हो और आप directly अपनी files को upload कर सकें। This is all for today. आज के लिए इतना ही बात करेंगे हम।
revise all the topics. I hope you were able to understand each topic properly. If you have any doubt, just comment in the comment area and definitely you will get the solution. If you are an old visitor, तो हमारे साथ यूं ही बने रहिए. Like, share and comment करिए हमारे videos को. If you are a new visitor, please subscribe our channel and press the bell icon to receive automatic notification of upcoming videos. Meet you in the next session. तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए. Bye bye. Take care.